अब सवाल ये भी है कि मुख्तलिफ पार्टियों के हमारे पास एजेंडे आए हैं, मैनिफेस्टोज आए हैं, बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है। बस कांग्रेस पार्टी के सरबरा के जम्मू कश्मीर के अंदर आप किस तरीके से उन 25 गारंटियों को देख रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से रखी गई, स्पेशली होम मिनिस्टर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। मैं उसको उसी नजर से देखता हूं जिस नजर से ये अपने स्टेटमेंट्स को बाद में खुद ही कहते हैं ये तो एक जुमला है। तो इट इज फुल ऑफ दोज जुमलाज। अदरवाइज अगर आप इसको खंगालें तो आप देखिए जो मैनिफेस्टो इनका 2014 में था वही मैनिफेस्टो, बेसिक्स वहीं पे, तो उसमें से क्या अचीव किया आपने? तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 2014 में लोगों को बेवकूफ बनाने की या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, यू कंपेयर देयर एजेंडाज फॉर द लास्ट 3 इलेक्शंस नाउ, वही है, इसी तरह से वही एजेंडा जो है फुल ऑफ जुमलाज है। व्हाट अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंडा? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं कह रहा हूं हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंडा, वी हैव अवर ओन एजेंडा। आपका एजेंडा कब तक आएगा? दे आर फॉलोइंग देयर एजेंडा। अभी कांग्रेस का एजेंडा कब तक आएगा? अभी ये हमारा जी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होगा जो बिल्कुल बिल्कुल आएगा, आप वेट करिए, बिल्कुल जरूर आएगा, इलेक्शन से पहले ही आएगा। इलेक्शन से पहले। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।